हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बना रही हूँ पोहे का नाश्ता, तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी पोहा। ये मोटा वाला पोहा है, इसे अब हम धुल कर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच सूजी और साथ ही डालूँगी 4 चम्मच दही। अब इन सबको आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और हमारा पोहा और सूजी अच्छी तरह से फूल के तैयार हो गया है। इसे एक बार चम्मच से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच चना दाल। इसे मैंने 4 से 5 घंटे भिगो कर लिया है। 2 चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 छोटे साइज का प्याज है, इसे बारीक काट कर लिया है। साथ ही मैं डालूंगी 1/2 चम्मच नमक, नमक स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब इन सबको आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चुटकी खाने वाला सोडा, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। इसे भी मैं अब अच्छी तरह से मिला लूँगी और इसका एक डो तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से डो लग के तैयार हो गया है। अब इसे हम टिक्कियों जैसा शेप दे देंगे और इसे बीच से हल्का सा प्रेस करते हुए गोल कर देंगे, वड़ा जैसा बना लेंगे। इसी तरह हम सभी को बना के ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी को बना कर ले लिया है। अब इसे हम स्टीम करेंगे। इसके लिए मैंने बर्तन में 2 गिलास पानी डालकर उसके ऊपर जाली लगा दिया है। मैंने जाली में हल्का सा तेल लगाया जिससे चिपके ना। इसके बाद इसमें हम सभी टिक्कियों को रख देंगे, उसे ढककर 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 15 मिनट बाद इसे हम खोल कर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं टूथपिक से चेक कर रही हूँ, टूथपिक क्लीन है, ये अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया है। अब इसे हम ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे हम जाली में से निकाल लेंगे। इसमें हम लगाएंगे तड़का, उसके लिए हम यहाँ पे डाल रहे 2 चम्मच तेल। तेल में डालेंगे 1/4 चम्मच राई, राई जैसे चटक जाएगा इसमें 6 से 7 करी के पत्ते और 1 हरी मिर्च को लंबा काट कर लिया है, इसे डाल देंगे और एक बार इसे चला लेंगे। उसके बाद इसमें हम पोहे के नाश्ते को डाल देंगे और इसे दोनों साइड से गोल्डन होने तक सेक लेंगे। तो हमारा पोहे का नाश्ता बनके तैयार हो गया है खाने के लिए। इसे तीखी चटनी के साथ खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।